जितनाथ जी, मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। पहले आप ये बताइए कि एक शायर ने लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है और जब निकल जाती है बू तो गुल बेकार होता है। आप फकीरी लाइन है तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए? फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना। मुझे लगता है इनको भारत के संन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है और हम भी भारत की उसी राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बनाकर के कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार। हमारा अगर विकास का एजेंडा है तो देश के विकास के लिए होना चाहिए, समाज के विकास के लिए होना चाहिए, न कि परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में हमारे अपने विकास के एजेंडे को लागू करना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि विकास का एजेंडा देश के विकास के लिए लागू होना चाहिए। अपनी ताकत हम देश के विकास में लगाएं, न कि परिवार में संख्या